डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमें दिया है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है वो 269 आता है और शेषफल जो है वो शून्य आता है, तो उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें दे रखा है कि 68 से भाग देने पे 269 आता है, तो हमारा जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, हमारी संख्या है वो हो जाएगी 68 गुणे 269। और ये हमारी संख्या हो जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं, ये हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या को मान लेते हैं हमारा x है, ये हमारी संख्या हो जाएगी जिसमें हमने भाग दिया था। अब इसमें इसको हम लिख सकते हैं 67 गुणे 67 धन 1 गुणे 269, इसको लिख सकते हैं हम 67 धन 1 गुणे 269। तो ये जो है हमारा बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 67 गुणे 269 धन 269। अब इसमें हम 67 से भाग दे देते हैं, 67 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 67 से भाग दिया तो ये हमारा कट जाएगा और इसमें 67 से भाग देंगे तो कुछ शेषफल बचेगा, तो हम देखते हैं इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 269, ये हो गया हमारा 67। अब इसमें हम भाग देते हैं, भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसको हम अगर भाग देंगे तो ये चार बार जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 268, तो हमारा शेषफल कितना बच गया, 1, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।